करने के बाद हलवे में क्या कलर आया है, अब आप इसे मैश करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गाजर का हलवा खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, खासकर जैसा कि हमारी दादी, नानी, मम्मी बनाती है। 40 मिनट में आप एक इंस्टेंट गाजर का हलवा बनाकर कैसे खा सकते हैं, जो कि वो स्वाद में भी बहुत ही लाजवाब। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ आज की इस मज़ेदार रेसिपी, जी हाँ, जिसे कहते हैं गाजर का हलवा। वेलकम बैक टू माई चैनल। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मोना रेसिपी पर। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने ली है 3 मीडियम साइज की गाजर। आपको सबसे पहले गाजर को धोना है। धोने के बाद गाजर को छीलकर आपको इसको 2 से 3 टुकड़ों में काट लेना है। अगर आप चाहें तो आप गाजर को ऐसे साबुत भी रख ही सकते हैं। हलवा बनाने के लिए आपको लेना है प्रेशर कुकर, उसमें डालना है 3 छोटे चम्मच देसी घी के। वैसे तो आप हलवे में ज़्यादा घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको डालना है 3 छोटे चम्मच देसी घी के। घी मेल्ट हो जाने के बाद आपको इसमें डालनी है गाजर। गाजर को आपको हल्का सा 5 मिनट फ्राई करना है। 5 मिनट तक गाजर को फ्राई करने के बाद आप देखेंगे गाजर में हल्का सा कलर चेंज हुआ है। अब आपको इसमें डालना है फ्लेवर के लिए 1 चुटकी नमक। जी हाँ, 1 चुटकी नमक। नमक डालने के बाद आप इसे ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएं। 5 मिनट बाद आप देखेंगे गाजर का कलर हल्का सा बदल चुका है। अब आपको करना है प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद, साथ ही गैस को करना है मीडियम फ्लेम पर और लगातार लगानी है 2 सीटी। ये देखिए, 2 सीटी लगाने के बाद आपको तुरंत प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल देना है। गाजर गलकर पक चुकी है। अब आपको इसमें डालना है उबला हुआ दूध। मैंने इसे कम से कम 1/2 किलो दूध में बनाया है। आप अपने अनुसार दूध को कितनी भी क्वांटिटी में हलवे में डालकर बना सकते हैं। दूध डालने के बाद आप देखेंगे हलवे में कलर कितना अच्छा आया है। अब आपको लेनी है एक मथनी या फिर एक छोटा ग्लास, जिससे आपको गाजर को हल्का हल्का सा मैश कर देना है। ध्यान रखें, आपको गाजर को पूरी तरीके से मैश नहीं करना है। अब मैंने इसमें फ्लेवर के लिए डाल रहा है हल्का सा इलायची पाउडर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अब आपको डालनी है इसमें स्वाद अनुसार चीनी। ध्यान रखें, चीनी को आप स्वाद अनुसार ही डालें। चीनी को डालने के बाद आप एक बार हलवे को अच्छे से मिलाएं। चीनी डालने के बाद आप हलवे को 5 मिनट तक ढककर पका लें। 5 मिनट बाद आप देखेंगे हलवे का कलर पूरी तरीके से बदल चुका है। तड़के के लिए मैंने लिया है 2 से 3 छोटे चम्मच देसी घी के। देसी घी में मैंने ऐड किए हैं बादाम। आप अपने अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट लें, लेकिन मेरे पास बादाम अवेलेबल था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ बादाम का यूज़ किया है। बादाम को घी में हल्का सा पकाने के बाद इसे हलवे में ऐड करें। गाजर का हलवा अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा और टेस्ट तो इसका हलवाई जैसा है बिल्कुल। बादाम के साथ साथ मैंने इसमें ऐड किया है मुनक्का। अगर आप चाहें तो आप मुनक्के को ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। हलवा फाइनली बनकर तैयार है। ये देखिए हलवे का कलर कितना अच्छा आया है और हलवे की कंसिस्टेंसी तो आप देख ही सकते हैं। हलवा बनकर तैयार है, तो चलिए चलते हैं हलवे को सर्व करने की ओर। हलवा बहुत ही डिलीशियस बना है। इसी बात पर फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।